बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप समझते हैं वीडियो के बारे में। चलें आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये वीडियो जो है ये एक एनालिसिस है एक तस्वीर का। जो आप तस्वीर आपने शायद देखी हो, JF-17 Thunder की एक नई तस्वीर है। ये 2 सीट वर्जन JF-17 Thunder है और तो कुछ नहीं है इस तस्वीर में। बेसिकली दो जो बॉम्ब्स लगे हुए हैं, अगर आप इनके ऊपर आज हम इसका एनालिसिस करेंगे कि ये बॉम्ब किस किस्म के हैं। अगर आप इनको गौर से देखें तो ये ऐसे लग रहा है जैसे ये क्लस्टर बॉम्ब्स हैं, लेकिन बेसिकली ये क्लस्टर बॉम्ब्स नहीं हैं। बेसिकली ये FAE यानी कि फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स हैं। अब ये क्या होते हैं, ये बेसिकली थर्मोबैरिक वेपन्स होते हैं। जो एक नॉर्मल बॉम्ब होता है जो कि JF-17 लेके जा सकता है या कोई और जहाज लेके जा सकता है, उसके अंदर क्या होता है कि 25% उसका फ्यूल होता है यानी कि उसका बारूद होता है और 75% उसके अंदर ऑक्सीडाइजर होता है। यानी कि उसको किसी भी जगह पे आप फेंक दें तो वो अपने अंदर से फ्यूल लेगा, अपने अंदर से ऑक्सीडाइजर लेगा। अब ऑक्सीडाइजर क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन होती है। आप छोटे अल्फाज में समझ लें, आसान अल्फाज में समझ लें, ऑक्सीजन होती है। आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। जब भी कहीं पर आपने आग लगानी हो, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर आग नहीं लगेगी। तो एक्सप्लोसिव जो होता है उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। तो इसलिए जो बनाने वाले बॉम्ब बनाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि बॉम्ब के अंदर ही बारूद रख देते हैं यानी कि फ्यूल रख देते हैं और उसके अंदर ही ऑक्सीडाइजर रख देते हैं। और जब वो बारूद फटता है तो वो अपने ही बॉम्ब के अंदर वाला ऑक्सीजन जो है उसको यूज़ करके धमाका कर देता है और आग लगा देता है। इसमें क्या, मैंने आपको बताया कि 25% फ्यूल है और 75% यानी कि 25% फ्यूल और 75% ऑक्सीजन है। अब इट मीन्स कि जो बॉम्ब है उसके अंदर अगर सारे का सारा फ्यूल हो जाए तो वो ज्यादा एक्सप्लोजन कर सकता है। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए ये जो FAE यानी कि फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव वेपन्स होते हैं या थर्मोबैरिक वेपन्स होते हैं, इनके अंदर 100% फ्यूल होता है। रैमजेट वाली वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको यही समझाया था कि रैमजेट भी जो है वो ऑक्सीजन बाहर से लेता है और अपने अंदर ऑक्सीजन नहीं यूज करता। मैंने आपको एमरैम और मीटियोर के ऊपर जो वीडियो बना के दी थी उसमें यही बताया था कि एमरैम जो होता है उसके अंदर ही उसका ऑक्सीजन होता है, मीटियोर जो होता है वो अपनी ऑक्सीजन जो है वो बाहर से लेता है। इसका भी यही हिसाब है। ये जो फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव बॉम्ब होता है ये क्या करता है कि ये अपने अंदर 100% इसके अंदर फ्यूल होता है। इट मींस नॉर्मल बॉम्ब से इसके अंदर 75% ज्यादा बारूद होता है। नॉर्मल बॉम्ब के धमाके की जो शिद्दत है वो 25 है, तो इसके बॉम्ब के धमाके की शिद्दत जो है वो 100 होगी, यानी कि ऑलमोस्ट 4 times ज्यादा होती है। रैमजेट वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि इनका एक डिसएडवांटेज भी होता है। इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है कि ये पानी के नीचे नहीं चल सकता। डेफिनेटली पानी के नीचे आपको उस तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इसके अंदर ऑक्सीजन होती नहीं। ये क्या करता है, फिर ऑक्सीजन साइडों से लेता है। जो ऑक्सीजन आपके हमारे एटमोसफेयर में ऑक्सीजन है, जब ये फटता है तो जो हमारे एटमोसफेयर के अंदर ऑक्सीजन है ये उसको यूज करके तो अपना धमाका करता है। इससे क्या होता है कि इसकी एक तो ब्लास्ट वेव ज़्यादा होती है, इसका धमाका ज़्यादा होता है और इसका जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल बॉम्ब से। अब पानी के अंदर ऑक्सीजन इसको मिलना नहीं, इस वजह से पानी के अंदर ये बेकार बॉम्ब है। दूसरी चीज़, हाई एल्टीट्यूड मसलन के जैसे कि आप ये समझ लें कि पहाड़ों के ऊपर, वहाँ पर जितना आपको पता है कि ऊपर जाते जाएँ ऑक्सीजन कम होती जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर ये बॉम्ब बिल्कुल बेकार है। वहाँ पर ऑक्सीजन कम होगी, इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ये उस तरह से अपना इम्पैक्ट नहीं कर सकेगा। दूसरे, आप ये कह सकते हैं कि ये नमी वाले वेदर में, एडवर्स वेदर आप जिसको कहते हैं कि नमी वाले वेदर में, यानी कि जून जुलाई अगस्त में अगर आप इसको करते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उस तरह से ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस लेना भी मुश्किल होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि उस वेदर के अंदर भी ये उसकी जो इम्पैक्ट है इस बॉम्ब का वो उस तरह से नहीं होगा। अब ये किस किस्म के जगहों पर काम आता है, डेफिनेटली ये खुश्क जगहों पर काम आता है, जहाँ पर सी लेवल के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। जितना ये एल्टीट्यूड नीचे होगा वहाँ पे ये काम करेगा। पाकिस्तान के जितना भी एरिया, ऑलमोस्ट आप LOC को छोड़ दें और ऊपर वाले नॉर्दर्न एरियाज़ में छोड़ दें, तो ये नीचे वाले जितने भी एरियाज़ हैं कराची से लेके तो सियालकोट तक, ये सारे के सारे बॉर्डर के ऊपर अच्छे तरीके से काम कर सकता है। अब ये फिर इतना ज़्यादा इसके अंदर बारूद होता है कि नॉर्मल बॉम्ब से ये 75% या 4 times ज़्यादा होता है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये एक फोर्टिफाइड जो आपकी जगह होती हैं, फॉक्सहोल्स होते हैं, टनल्स होती हैं, बंकर्स होती हैं, केव्स होती हैं, वहाँ पे जो है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से नॉर्मल बॉम्ब से काम आ सकता है। अब आप ये कह सकते हैं इस तस्वीर को देखने के बाद कि JF-17 Thunder के ऊपर भी ये बॉम्ब लग चुका है और पाकिस्तान एयरफोर्स इसको जो है वो टेस्ट कर रही है, और डेफिनेटली ज़्यादा क्योंकि हमारा जो एडवर्सरी इंडिया है उसके साथ हम कराची से लेकर सियालकोट तक जो जितना भी एरिया उसके ऊपर ये बॉम्ब अच्छे तरीके से काम करेगा। और अगर पाकिस्तान ये डेफिनेटली एक्सप्लोसिव इसमें ज़्यादा है तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, लेकिन वो कोई ऐसा मसला नहीं। तो अगर पाकिस्तान ये बॉम्ब ज़्यादा यूज़ करता है तो इंडिया के जितने भी ये टैंक कॉलम्स वगैरह हैं
या इंडिया की जितनी भी इन्फेंट्री वगैरह है उसके लिए ये एक अच्छा खासा हैवक क्रिएट कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ये एक अच्छी तस्वीर आई थी जो कि मैंने देखी, सोचा आपके साथ इसको शेयर करूँ। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तस्वीर के अंदर जो वैसे मार्किंग्स हैं, जो JF-17 थंडर की मार्किंग्स हैं, वो तो किसी ने मतलब फोटोशॉप किया हुआ है, लेकिन ये तस्वीर जेन्युइन है और जो इसके ऊपर बॉम्ब्स लगे हुए हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।